हेलो, वेलकम टू आना न्यूज़। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए खुद मरीजों के परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कई शहरों में अस्पताल की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा भी फूट कर बाहर आ रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कोविड के प्रकोप के कारण अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ के रोहानिया क्षेत्र में जब निजी अस्पताल ने लापरवाही की हदों को पार कर दिया तो गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दुख की बात यह है कि इस बवाल के बावजूद मरीज की जान नहीं बच सकी। दरअसल रोहनिया के पच्छाव इलाके में निजी अस्पताल में जब डॉक्टर स्टाफ गायब दिखे तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। एक परिजन का आरोप है कि अस्पताल ने कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन किसी तरह की देखभाल नहीं की। रोते भिलकते हुए मल्या बताती है कि अस्पताल में मरीजों को दावा करने वाला कोई नहीं है। इस दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ गई और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी उसी अस्पताल को कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। डीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पताल को नोटिस जारी किया था। वाराणसी की तरह ही इटावा का हाल भी है। यहाँ अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही भी जारी है। हाल ये हुआ है कि एक महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और कोविड अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्टाफ लापरवाही बढ़ता जा रहा है। उन्हें खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब इस संबंध में CMO से बात की गई तो वो मामले की लीपापोती करते हुए दिखाई दिए और ऑक्सीजन की कमी को नकारा। साथ ही परिजनों के आरोपों को भी खारिज करते हुए नजर आए। मरीजों के परिजनों का कहना है कि यहाँ चार चार दिन से मरीज भर्ती हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है और वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लोगों ने दावा किया कि बीते दिन 5 की मौत हो चुकी है। परिजनों के हंगामे के बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। साथ ही वाराणसी, इटावा के अलावा फरुखाबाद, मुरादाबाद, मेरठ समेत अन्य कई शहर ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत, बेड्स की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही की रिपोर्ट सामने आती जा रही है। फरुखाबाद को एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहाँ परिजन मरीज के लिए ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब जाके यूपी में कोरोना का हाल जो है और कुल केसेस है वो है 11,53,097, एक्टिव केसेस है 3,06,448 और अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं 11,668। साथ ही ऐसी और भी कोरोना से अपडेट को जानने के लिए आप आना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आना न्यूज़।